पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए हाल ही में एनजीटी एक्ट के तहत कटरा में पॉलिथीन और प्लास्टिक की चीजों पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पॉलिथीन और इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए काफी हानिकारक है। और इसी मामले में शिकायत मिलने के बाद कटरा के एसडीएम नीलम खजूरिया ने एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बाजारों में जाकर दुकानदारों पर छापेमारी की और जो भी व्यक्ति पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बार बार बता रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से बार बार अपील भी कर रही हूँ कि 133 सेक्शन में और एनजीटी की डायरेक्शंस के तहत भी हमने कटरा में पॉलिथीन और प्लास्टिक को टोटली बैन करा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत बार हमें प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार इस पर एक्शन लेनी पड़ती है। और उसी के तहत आज की ड्राइव जो थी वो भी चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे रेनकोट्स, लगभग 1.5-2 क्विंटल जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के रेनकोट्स एक्सक्लूसिवली पकड़े गए हैं, जो कि बैन है, जिनको कि हमने कटरा में टोटली बैन किया हुआ है।